एक ये लेट के मारने वाला, एक वो मशीन। चलो सही रेट में बिक गया अपना रतन टाटा का कंपनी। कफील के वाइफ ये सब भर के देख लो, बाकी का पीछे भी है टिक्की में। आई है बहुत ही दूर, करीब इधर जो हातिम ताई है, हातिम ताई की तरफ आई हुई है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सावेस ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो अभी अभी कफील के वाइफ ने बुलाया है घर पे, पता नहीं कहीं जाएगी इसीलिए बुलाई है। तो चलो अभी चल के देखता हूँ मैं कहाँ जाती है और क्या क्या ड्यूटी रहता है आज। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ सीधे वो कफील के घर से, वहाँ पे जहाँ पे वो जाएगी तो वहीं पे मिलता हूँ मैं आप लोगों से। देखते हैं कहाँ जाती है, तो चलो मिलता हूँ वहीं पे सीधे आप लोगों से। तो चलो बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखो रेंज रोवर, लैंड रोवर का अपना रतन टाटा का कंपनी। कफील के वाइफ ये सब भर के देख रहे हो, बाकी का पीछे भी है टिक्की में। आई है बहुत ही दूर, करीब इधर जो हातिम ताई है, हातिम ताई की तरफ आई हुई है। तो जल्दबाजी में मुझे लगा बस इधर ही उधर ही कहीं जाएगी, मुझे क्या मालूम था कि हाइल से बाहर आ जाएगी करीब 20-25 किलोमीटर दूर। तो मैं जैकेट वगैरह पहना नहीं, कुछ भी ऐसे ही उठा और भाग के आ गया मैं। और देखो यहाँ पे आई है लोग, तो 1.5 घंटा तो हो गया अंदर गए हुए, बाकी इसका क्या करना है ये लोग बताए नहीं। और मैं बार बार सोच रहा हूँ कि कहीं उन लोगों ने बोला तो नहीं ना है कि उतार के रख देना है, और मैं सुनाई नहीं दिया मुझे। फिर आने के बाद वो लोग चिल्लाए कि ये क्या है, ये गाड़ी में क्यों है। मैं फ़ोन लगाया तो फ़ोन नहीं उठा रही है। फ़ोन लगा रहा था मैं पूछने के लिए कि ये सामान का क्या करना है, गाड़ी में रहने दे कि उतारना है इसमें, ये जो घर में आई है, तो उठाई नहीं। अब देखो जो होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो आके बोलेगी। मैं तो भाई बोल दूंगा मैं फ़ोन कर रहा था, फिर मेरे को तो बोली नहीं कि उतारना है, और अंदर जाके चेक नहीं करते हैं कि हमारा सामान आया है कि नहीं आया है। अब देखो शाम को तो धूप था और गर्मी था, ठंडी नहीं लग रहा था, कहीं रात को जाते समय ठंडी लगे। और ये है कि बार बार खिड़की खोल देती है, ये बिना खिड़की खोले जाती नहीं है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। तो अभी मैं अल लाकीता जगह, ये नाम है, यहाँ पे हूँ। अगर कोई यहाँ से वीडियो देखता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हाइल से 20 किलोमीटर दूर हूँ मैं, अल लाकीता। तो अभी फ़ोन करके बोली है कि ये सारा सामान उतार दो। तो अभी 6:14 हो रहा है, कफील की वाइफ को ला के अभी छोड़ा मैं कफील के घर पे, और देखो बारिश भी होने लगा। वो खाना उतरवाने के बाद आके सीधे बैठ गई थी लोग, और वहाँ से सीधे लेके आ गया मैं। 20 किलोमीटर दूर गए थे तो आधा घंटा लग गया लेके आने में, बाकी देखो 6:15 तक मैं ला के छोड़ दिया। मैं जा रहा हूँ रूम पे, चलो और कोई ड्यूटी आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो अभी कफील बुलाया था अपना कार क्लीन करवाने के लिए, तो मैं लेके आया हूँ इधर। देखो वो कफील का कार है उधर वाला सफ़ेद वाला, तो इस बार फ्री वाला होगा। तो अभी देखो क्लीन करवा के ले जाके दूंगा मैं। तो देखो अपना कार क्लीन चालू हो गया। तो अपना कार क्लीन हो गया, बहुत ही मन लगा के इन लोगों ने क्लीन किया, मैं ये छुपा के रखा था। अभी ये मैं दूंगा तो मुंह बना लेंगे कि फ्री में हमने इतना मेहनत किया है।
तो चलो, अपना कार क्लीन हो गया, मैंने कार्ड दे दिया वो। चलो ये गाड़ी पहुंचा देता हूँ मैं कपिल के घर पे। तो ये देखो, गाड़ी पे झंडा सऊदी का लहराते हुए जा रहे हैं। तो कपिल के कार लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया मैं। अब मैं जा रहा हूँ अपना कार लेके। ऐसे तो बिक गया सारा जिम का सामान, सामान बिक गया। बंदा ले लिया 3,000 में। 3,000 रियाल में? 3,000 रियाल में लोग ले लिए, सारा निकल के जा रहा है। 1,000 रुपया आज देगा, बाकी 1,000 1,000 बाद में देगा। ये उनका अरे जो बॉडी बनाने के इतनी जल्दबाजी है जाते ही सीधे चल नारा। अरे पहले कह रहे ना कि अरे ले के आधा बॉडी तो आज ही बन जाएगा। देख के यार, देख के पिछुआ गड़िया है पीछे गाड़ी चल बहु यो सरा ये आया है डटसन। डटसन में अपना भर के यही दोनों बिका है। एक ये लेट के मारने वाला, एक वो मशीन। चलो सही रेट में बिक गया 3,000 रियाल में। हबीब भाई को मिल गया आज ही 60-70 हजार रुपये। तो सारा बेच दिया 3,000 में। देखा बंदा कितना देता, 3,000 के सारे 3,000 दूर देना। तो चलो, पूरा जिम का सामान चला गया, अपना रूम खाली हो गया। वैसे भी मैं उतना कर नहीं रहा था, वैसे ही रखा हुआ था। वैसे भी रमजान के बाद अपने को जाना ही है, तो जिनका सामान है वो अपना बेच दिए, फायदा हो गया। 3,000-3,500 जो भी मिल जाए, 60-70 हजार रुपया हुआ इंडिया का। तो चलो मशीन लेके जा रहे हैं वो लोग। हाँ तो चलो, ये कोना अपना खाली हो गया, रमजान में इधर इफ्तारी उफ्तारी करने का काम आएगा। इतना ऐसे ही रहता था, अब यहाँ पे भी बैठ के खाना खा सकते हैं बीच में। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, जिम का सारा सामान लेके चले गए, बिक गया। मेरे साथ ही अक्सर ऐसा होता है, जब मैं कोई चीज़ करने का सोचता हूँ ना, तो वो चीज़ बहुत जल्दी चला जाता है। अब बताओ, 2-3 सालों से रखा हुआ था, कोई खरीद नहीं रहा था, कोई पूछ नहीं रहा था, और जैसे ही मैं जिम करना चालू किया, फटाक से बिक गए 1-2 महीने में ही। ऐसे ही होता है मेरे साथ, जब भी मैं कोई चीज़ सोचता हूँ ना, वो चीज़ बहुत ही जल्दी मेरा साथ छोड़ के चला जाता है। तो देखो, अभी मैं सोच रहा था कि कुछ दिन अपना जिम करेंगे जब तक यहाँ पे है,
तीन चार सालों से इस रूम में ऐसे ही पड़ा हुआ था, कोई पूछ नहीं रहा था, और जैसे ही मैं जिम करना चालू किया बिक गया। चलो कोई नहीं, अपना अच्छा ही हुआ, अपना हबीब भाई को मिल जाएगा कुछ पैसे, अपना उनका काम धाम हो जाएगा, वो भी फैमिली बुलाने वाले हैं इधर इसी रूम में, मैं चला जाऊंगा तब तो ये रूम खाली रहेगा तो सही रहेगा उनके लिए। अब देखो वो लोग भी लेके गए हैं खुश होके कि जिम करेंगे, 3000 रियाल का खर्चा कर रहे हैं। पर अक्सर यहाँ पे ऐसे ही होता है जब 4-5 आदमी बैठ के जोश में बात करते हैं, चलो अब जिम करना चालू ही कर देंगे, चलो सामान खरीदते हैं, सामान लोग खरीदते हैं, फिर 4 दिन 5 दिन 10 दिन करते हैं, उसके बाद ठंडा हो जाते हैं। वैसे यहाँ पे भी हुआ था, हबीब भाई के रूम में इधर करीब 6-7 लोग इधर रहते थे, साथ में वो सारा पेंट का काम करते थे, अभी अकेले हैं वो, मगर पहले 6-7 लोग रहते थे। तो ऐसे बैठे बैठे प्लानिंग किए, 5-6 हज़ार रियाल खर्चा कर दिए और ऐसे ही पड़ा हुआ था इतने दिनों से। तो चलो इस वीडियो में इतना ही था, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और फेसबुक पेज पे ये वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, सलाम, टेक केयर।